जय माई की। मिथुन राशि के जातकों, वर्ष 2021 की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। हम लाए हैं आपके लिए वर्ष 2021 का राशिफल। इस राशिफल में हम आपके जीवन के मुख्य पहलुओं से जुड़ी छोटी बड़ी अनेक भविष्यवाणियां लेकर आए हैं। इन भविष्यवाणियों की मदद से आप जान पाएंगे कि इस साल आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर कैसा रहने वाला है, और साथ ही आप जान पाएंगे कि यह साल आपके आर्थिक मामलों व निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। इतना ही नहीं, आपके लिए हम सरल से सरल उपाय भी बता रहे हैं जिन्हें आप कठिनाइयों व परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रयोग में ला सकेंगे। आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित है, आपकी दशाओं के अनुसार परिणामों में कुछ अंतर हो सकता है। दशाओं आदि के बारे में कुंडली दिखानी हो तो एक बहुत ही छोटी सी फीस जमा करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं, और सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मिथुन राशि वालों, आपकी कुंडली को यदि हम चंद्र राशि के अनुसार देखें तो आप पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। अगर लग्न के अनुसार देखें तो भी आठवें भाव में शनि का गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना गया है। साथ ही साथ साल के शुरुआत के 3 महीनों में या उधर 14 सितंबर से 21 नवंबर के बीच बृहस्पति का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा, यह भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कहा गया है। यानी इस साल ज़्यादातर समय आपको स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग रहना होगा। पेट से संबंधित कोई परेशानियां न होने पाए इसके लिए उचित खान पान रखना होगा। इसके साथ ही 6ठे भाव में केतु की स्थिति भी वायु संबंधी परेशानियां दे सकती है, गैस इत्यादि बना सकती है। ऐसे में यदि आपको पेट की समस्या या रक्त संबंधी समस्याएं हैं तो इस साल आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना जरूरी रहेगा। खान पान पर भी संयम रखना जरूरी रहेगा। नेत्र या मुख संबंधी समस्याओं के भी योग दिख रहे हैं, अतः स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए साल 2021 शिक्षा के मामले में कैसे परिणाम दे सकता है। हालांकि 8वें भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन वहां रहते हुए बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर प्रभावी होगा। वहीं जब बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेगा उस अवधि में वह आपके पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा। चतुर्थ और पंचम भाव से बृहस्पति का जो कनेक्शन है यह शिक्षा संबंधी मामलों में अनुकूलता दे सकता है। यही कारण है कि साल 2021 को मैं आपकी शिक्षा के लिए औसत कह रहा हूँ, या औसत से अच्छा परिणाम देने वाला कहना चाहूँगा। खासकर जो लोग विदेश में रहकर शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए तथा उच्च शिक्षार्थियों के लिए साल के शुरुआती महीने और 14 सितंबर से 21 नवंबर के बीच का जो समय है यह अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं अन्य समय प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। शोध के विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं, अतः सामान्य तौर पर साल 2021 से शिक्षा के मामले में आप अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि यह परिणाम आपकी दशा अंतरदशा पर भी निर्भर करते हैं, अतः सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली जरूर दिखा लें। आइए जानते हैं कि साल 2021 आपके करियर के लिए कैसा रह सकता है। मिथुन राशि वालों, साल 2021 आपके करियर के लिए थोड़ा सा अधिक मेहनत करवाने वाला साबित हो सकता है। दरअसल साल के शुरुआती महीने अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च तथा 14 सितंबर से 21 नवंबर के मध्य आपके करियर स्थान का स्वामी बृहस्पति नीच का होकर 8वें भाव में रहेगा। फलस्वरूप आपको कड़ी मेहनत के बाद आशातीत परिणाम मिल पाएंगे। 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच तथा 21 नवंबर के बाद जब बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा तब कार्य क्षेत्र में अनुकूलता का ग्राफ बढ़ जाएगा। यही वह अवधियां होंगी, वो टाइम ड्यूरेशन होंगे जिनमें आप अपने व्यापार व्यवसाय पर कोई नया प्रयोग कर सकते हैं। बाकी के समय में जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसी को करते हुए बेहतर परिणाम पाने का प्रयत्न करते रहिए। आपको बता दें कि आपके जीवन से जुड़े जो मुख्य पहलू हैं उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने की सोच रहे हैं, अर्थात हर एक बिंदु पर एक विस्तृत चर्चा वाला वीडियो आपके लिए बनाने की सोच रहे हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, जिससे जब भी वो वीडियोज अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2021 आपके आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, आपके धन स्थान का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा के गोचर के आधार पर साल भर का भविष्य बता पाना वह भी एक साथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बड़ा ही बृहद हो जाएगा। ऐसे में धन के कारक बृहस्पति की स्थिति को देखें तो वह आपके धन भाव को साल की शुरुआत में देखेगा। निसंदेह
स्थिति आर्थिक मामलों पर गंगा जल के छिड़काव जैसी होगी, लेकिन शनि की दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है, यह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होती। अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य तौर पर वैसी ही बनी रहेगी जैसे अभी चल रही है। अलबत्ता जब कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर होगा तो स्थितियां कुछ हद तक सहज महसूस होंगी, क्योंकि बृहस्पति तब आपके तीनों त्रिकोणों पर प्रभावी रहेगा। फलस्वरूप लक्ष्मी जी की कृपा बढ़ेगी। अर्थात हम साल 2021 को आपके आर्थिक मामलों के लिए मिला जुला कह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि साल 2021 आपके पारिवारिक और निजी जीवन के लिए क्या कुछ लेकर आया है। पारिवारिक और निजी संबंधों के लिए साल 2021 मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक ओर जहां आपके दूसरे और चौथे भाव में बृहस्पति की दृष्टि साल के शुरुआत व सितंबर से नवंबर के बीच अच्छे परिणाम देने का काम करेगी, तो वहीं दूसरे और पांचवें भाव में शनि की दृष्टि कुछ हद तक नकारात्मकता दे सकती है। अर्थात जनवरी से मार्च और सितंबर से नवंबर के बीच आपको कुछ खट्टे मीठे अनुभव पारिवारिक और निजी मामलों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अप्रैल से सितंबर तथा 21 नवंबर के बाद की जो अवधि है, इनमें आपको तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। साल 2021 आपके निजी मामलों में और क्या कुछ दे सकता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने की सोच रहे हैं। समय रहा तो हर एक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे, अलग अलग वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे में आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा सकते हैं, जिससे जब भी वह वीडियो अपलोड हो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। आइए बात कर लेते हैं कि साल 2021 में यदि आपको किसी तरीके की कुछ परेशानी महसूस हो तो आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए। परेशानियां होने की स्थिति में जब भी स्नान करें उस पर अपने नहाने के पानी में दूध अथवा गंगा जल की कुछ बूंदें पानी में जरूर डालें, नहाने वाले पानी में। हर चौथे महीने 4 जटा सहित नारियल बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित करें। हर पांचवें महीने किसी बुधवार के दिन प्राइमरी स्कूल के बच्चों को लेखनी व अभ्यास पुस्तिका भेंट करें। तो उम्मीद है आपको इस राशि फल के माध्यम से अपने साल को प्लान करने में मदद मिलेगी और आप बेहतर करेंगे। आप सभी को साल 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवती सबका कल्याण करें। जय माई। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।